हिंदी में बात करेंगे ज्यादा करके, अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो उसका मजा उड़ गया। सबसे पहले कहूँगा जो डैनूब नाम है, दिस इज अ रिवर इन यूरोप, इज अ सैंड इज सिंबल फॉर द नरिशमेंट एंड इट कनेक्ट्स अ यूरोप एंड वी स्टार्ट विद अ वेरी गुड नेम द डैनूब एंड दैट्स व्हाट अमेजिंग इज। सो रिजवान भाई, आप यू ग्रो अप इन मुंबई, यू वर 16, लिविंग इन घाटकोपर, what was it like in Mumbai or kya sikha aap usse jo hum hamare entrepreneurs ko sikha sakte hain? First of all, good afternoon everybody and thank you very much for having me over you. Sanjay bhai ne bola ki hindi mein baat karenge, hindi mein se baat karenge, english mein aapko nahi aata. That is the reason. And then I was asked to give a come and give my inspiring speech over here. Then I saw the attendance were going to attend to it. ख्याल आया, मैंने संजय भाई को बोला सर इतने बड़े बड़े लोगों को मैं क्या इंस्पायर करूँ। अभी नॉर्मली मुझे बुलाते हैं स्कूल के अंदर बात करने के लिए, कॉलेजेस के अंदर बात करने के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात करने के लिए। यहाँ पे लोग जो बैठे एक से बढ़कर एक है, उनको मैं क्या इंस्पायर करूँगा, वो अभी तक मेरे गूज बम स्टमक के अंदर बन रहे हैं। आई बेसिकली मेरी शुरुआत जो हुई है इन ए वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। माई फादर वॉज वर्किंग फॉर नथानी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, where he was a loyal employee of the company for more than 20 years. So we had everything. What I mean is everything. The father was able to provide with the right schooling in a convent school and all that. He was able to provide us basic necessities. Later on, luxury honi chahiye gauge ke andar, wo nahi tha hamare paas mein. So we were managing and everything was going very well. Until the time aisa aaya ke 16 saal ki age mein mere father expired ho gaye in a train accident. And that time the whole tables turned. Because तब तक डैडी सब संभाल रहे थे, हम जा रहे थे कॉलेज में, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती तो डैडी हमेशा बोलते थे कि डैड मैं इतना ही दे सकता हूँ, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जो तुझे बनवाने हैं तो तू अपना कुछ करना होगा। तो मुझे याद है कि बचपन में 13-14 साल के अंदर मैंने फायर क्रैकर बेचे है, स्कूल में बुक्स बेचे है, राखी बेची है, एंड ऑल दैट थिंग टू मेक दैट एक्स्ट्रा 100-200 रुपया बनाने के लिए अपना काम चल जाता था। बट लेकिन 16 साल में जब डैडी एक्सपायर हो गए तो पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। तो एवरीथिंग यू नो लाइक मैनेजिंग द होल हाउसहोल्ड, कंपनी जहाँ पे डैडी ने काम कर रहे थे उस कंपनी ने मुझे बुलाया, बोला बेटा करो क्या? तो मैंने कहा डैड कुछ भी नहीं पता है अंदर। तो बोले ठीक है क्या काम करो हमारे कंपनी में काम करो, बिकॉज तुम्हारे डैडी ने हमारी बहुत सेवा की है तो यू मस्ट कम एंड वर्क विद मी। तो उस वक्त मुझे याद है मुझे 700 रुपये की नौकरी मिली थी और डैडी जब भी एक्सपायर हो गए थे तो 2 लाख रुपये छोड़ के गए थे। तो वो कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिए, उन्होंने 700 रुपये हमको सैलरी देंगे और 2000 रुपये आपको इसमें से फिक्स डिपॉजिट की इनकम आएगी, इंटरेस्ट आएगा। तो 2700 रुपये मैनेजिंग द हाउस। उस जमाने में मेरे एक अंकल रहते थे कुवैत के अंदर, तो कुवैत में हमने उनको चिट्ठी लिखी कि अंकल आपके ब्रदर जो है कजिन ब्रदर वो एक्सपायर हो गए और अगर आप मुझे हेल्प कर सको तो मुझे आप कोविड बुला दो, मुझे जॉब दे दो, बिकॉज यहाँ पर मुझे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, बेटा वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर डेथ बट आई कैन नॉट कॉल यू राइट नाउ बिकॉज यू आर ओनली 16 ईयर ओल्ड एज पर द कोविड लॉ यू हैव टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि शायद यू नो दूसरे रिलेटिव की तरह ये अंकल भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहा है, बोले आप 16 साल में बच्चे तो बुला नहीं सकते आप। बट थिंग्स चेंज, 18 साल जब मेरा बर्थडे था आई रिमेंबर रिसीविंग एन कोरियर फ्रॉम माय सेम अंकल के बेटा इफ यू रिमेंबर यू आर रिटर्न टू मी एंड यू स्टिल वांट टू कम टू कुवैत आई एम विलिंग टू ऑफर यू अ जॉब एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो मैं कह रही हूं चाइल्ड का स्ट्रगल था, कुछ योर मॉडेस्ट लाइफ इन जो स्ट्रगल था रेंज टू मी, तो क्या बातें सीखी आपने? दो बातें जो सीखी जो ऑडियंस रिलेट कर सकती है, क्योंकि हम में से काफी लोग ऐसे आए वी कैन रिलेट टू यू। तो दो बातें व्हाट डिड यू टीच यू नॉट टू लूज कीप इट विनिंग स्पिरिट, क्या सीखा, क्या बातें आप बता सकते हैं? उस जमाने की अगर मैं बात करता हूँ तो वो जब भी अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, हाउ टू फिगर आउट कि आप उसी पैसे के अंदर किस तरह से मैनेज करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अंकल की बात कर रहा हूँ, आज लोग हम लोग की वी आर ऑल्सो इन अ वेरी गुड पोजिशन बट वेरी फ्यू पीपल विल यू नो हेल्प द जनरेशन और द पीपल हु आर द नीडी पीपल। उस जमाने में अंकल का मेरा कोई खास रिश्ता नहीं था, उनसे कोई रिलेशन नहीं था, वो कुवैत में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, बट समहाउ ही फेल्ट दैट कि नहीं यार ये लड़के ने लेटर लिखा हुआ है उसको मुझे हेल्प करना जरूरी है। तो आई फील दैट व्हाट द अंकल हैज डन वी शुड ऑल
look and try to bring the other people who are surrounded, who are not ready. Rizwan bhai was a commerce graduate, so bhai sahab Kuwait mein gaye, went to work with his uncle in building materials business. So Kuwait na 6-8 saal the, aapne Kuwait mein kya sikha hai business mein? That helped you very much. Kuwait ke andar main gaya to I was main meri padhai in between chhod ke jaani padi. I had done only FYGC. Usko ka letter aa gaya, uncle ka was very excited ki mujhe usne usko ka 150 dinar ki offer kar di. मैं नथानी में 700,000 रुपये कमा रहा था, 2,000 रुपये इंटरेस्ट, उस जगह पर मुझे 15,000 रुपये का ऑफर आ गया था, तो एकदम क्लाउड नाइन पे था। इमीडिएटली काम दाम ऑफिस स्कूल छोड़ के मैंने कहा नहीं, अंकल मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, और अंकल के पास चला गया तो उन्होंने मुझे सेल्स मैन की जॉब दी थी, ट्रेनिंग की जॉब दी, और उन्होंने मुझे सिखाया कम्प्लीटली कि ऑल दी बिजनेस टर्म्स, बाई FOB किसको बोलते हैं, CNR किसको बोलते हैं, LC किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं, ऑल दी बिजनेस रिलेटेड टर्म्स उन्होंने मुझे बैठ के सिखाया, और आहिस्ता आहिस्ता उस कंपनी में हमने ग्रो किया फ्रॉम ए सेल्स ट्रेनिंग। व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी, उस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में लिया गया था, सो दैट वाज ओनली नंबर वन बिकॉज आई वॉज दी फैमिली मेंबर, अंकल का भांजा भतीजा बोला जाए, and secondly the way he taught me, the way we were able to progress in that company under the uncle direction, jahan pe koi bhi mushkil kaam hota tha to mujhe aage karte the, Ridwan ye kaam karna hai, kara ke le kara, uncle travel karte the to pura bank ka facilities, to check bhi signing ki authority bhi mere paas di gayi thi, and that should alhamdulillah bahut acha chal raha tha wahan pe. Mujhe yaad hai ki jab before I could leave the company, humko ek salary aur commission pe rakha hua tha, तो सैलरी में 150 दिनार सैलरी थी, लेकिन कमीशन के ऊपर था कि व्हाट एवर यू मेक फॉर द कंपनी उसके अंदर 25% आपको मिलेगा, विद द सैलरी एंड कमीशन आई वाज एबल टू मेक अबाउट 15,000 to 20,000 दिरहम्स इन अ मंथ, सो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी 15,000 से 20,000 दिरहम्स, बिकॉज कोई बड़ा एजुकेटेड MBA कुछ नहीं किया हुआ था, FYGC स्टूडेंट था, 15,000-20,000 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी 25 ईयर देखो, और उसको उस पैसे से हमने हमारी शादी की, हमारी सिस्टर की शादी की, घाटकोवर में जो हम रहते थे उसको छोड़ के हमने बांद्रा में हमने फ्लैट लिया, एवरीथिंग फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिस वाज अ परफेक्ट लाइफ स्टोरी, लाइफ एकदम सेट है, सब सब चेंज चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, एंड उस सिचुएशन पे हम थे, लेकिन अचानक फिर सो एवरीबॉडी नोज द इन्वेजन ऑफ कुवैत बाय इराक, एंड इनके लाइफ में तो स्ट्रगल दिखा ही था, पहले बॉम्बे से कुवैत शिफ्ट होकर फिर इराक कुवैत का इन्वेजन हो गया, सो वी हैड टू लीव द कंट्री, सो वी कॉल इट UAE कॉल, तो फिर व्हाट हैपेंड, दे मूव टू UAE दुबई और सब स्टेट्स ऑन द वे, तो वो और एक सवाल उसके लिए भी बताना कि कनेक्टिंग द डॉट, जैसे लाइन अपन 10 डॉट को लाइन लगाते तो कनेक्टिंग, सो व्हाट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट यू हैड इन कुवैत हेल्प्ड यू विद कनेक्टिंग द डॉट्स इन दुबई? Like I said, the life was really easy for a person like me. 25 years ago, if you are earning that 15,000-20,000 dirhams, it was fantastically job achhi thi, I was managing the whole company. But again, the roller coaster had to come in my life, where Saddam Hussein came in and we had to all run away, leaving everything, including my house, uncle ka pura karobar, whatever he vocal had, all the businesses, instead of Farad Wood, Iraqi leke chale gaye, hum sab chhod ke Bombay chale gaye. बॉम्बे में जाने के बाद हमारी अंकल से डेली बात होती कि रिजवान अभी करना क्या है, तो मैंने बोला सर हम दुबई चलते हैं, अंकल बोला अच्छी आइडिया है कि दुबई चले जाओ, तो वो दुबई जाके करेंगे कि अगला दुबई जाके नौकरी कर लूँ, तो किस जिस आदमी का एक बॉम्बे में एक हमारा दोस्त हुआ करता था, तो सुधीर वसीम करके नाम है उनका, उनका काम हम कुवैत में करते थे, और वो कुवैत में काम करते थे तभी इंडियन का बहुत अच्छा काम करके दिया था, उन्होंने बोला रिजवान मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन फॉर मी दुबई, उस कंपनी में हम दुबई में जॉब लेके दिया, मुझे याद है हमने उसको पूछा आप सैलरी कितनी दोगे, तो मुझे उन्होंने बताया 3,000 दिरहम दोगे, और क्या दोगे, बोले कुछ कमीशन देंगे, तो कमीशन कितना बनेगा, बोले 2-3-4,000 दिरहम बनेगा, तो सिचुएशन ऐसी थी कि आप इमेजिन करो कि एक बंदा जो 15,000 से 20,000 दिरहम कमाता है, जब आनी 15,000 to 20,000 दिरहम पर मान बनाया हो उनको, and somebody offers you only 3,000 dirham salary, normally you would say boss नहीं boss आप क्या बात कर रहे हो, ये आप job कभी नहीं होगी, and 99% of the people I would say would reject that offer, क्या आप
3000 में आपके पास कैसे आऊँ, लेकिन ऑप्शन मेरे पास बहुत कम थे और मुझे लगा कि चलो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई दुबई जाने के लिए, ले लेते हैं जॉब। मैंने सुधीर हुसैन को हाँ बोल दिया, एक महीने तक वीज़ा का इंतजार किया, वीज़ा नहीं आई। तो सुधीर भाई को फोन किया, सुधीर भाई क्या हुआ, वीज़ा क्यों नहीं आ रही? उस जमाने में आई रिमेम्बर क्राइसिस की वजह से यहाँ पे दुबई के अंदर बहुत हालात खराब थी। सुधीर भाई को लगा कि मैंने कमिट तो कर दिया रिमान को, लेकिन मैं 3000 में कैसे दे पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला, बेटा तुमको 3000 नहीं दे सकता हूँ, खाली 1500 दे मैं। मैंने कहा सर 1500 दिरहम दोगे तो? सिर्फ एक ही जवाब दिया, एक काम करो सुधीर भाई, 1500 की नहीं दो, आप खाने के लिए दो मुझे और एक छत दे दो, अगर मैं कुछ पैसा कमा के आपको दूंगा तो उसमें से आप मुझे 25% दे देना। Connecting the dots and that expertise that you developed in the building materials business, so usko aapne phir yahan pe laake, first is building materials, then Daniel properties, then real estate, cha cha chai, now the fashions, across the board, with more than 2000 employees. Jara iski journey bataiye. Is story se ek thodi si elaborate karke bataunga aapko. To Sudhir bhai ke paas hum kaam kar rahe the, luckily 13000 dinon mein humne job pe rakh liya. लेकिन उस वक्त जब यहाँ पे आए हम, व्हेन आई केम टू दुबई, दी कुवैत मार्केट ओपन आउट, जिसमें सदाम हुसैन को अमेरिका ने भगा दिया था, तो कुवैत मार्केट को काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट थी, एंड बिकॉज आई वाज फ्रॉम कुवैत एंड लॉट ऑफ पीपल न्यू मी फ्रॉम देयर, वी कॉन्टेक्टेड इन कुवैत, बाबा आपको जो भी सामान चाहिए हम आपको यहाँ से दुबई से भेजेंगे। तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर लकीली अच्छे खासे पैसे बनने लग गए, बिकॉज कंपनी स्टार्टेड मेकिंग 100,000 दिरहम तो 50,000 और 70,000 दिरहम मंथली, तो मेरा 15-20,000 दिरहम व्हिच आई वाज बैक इन कुवैत अर्निंग, वो अचानक स्टार्ट हो गया कि वापस 1,500 दिरहम सैलरी और 10-15,000 दिरहम कमीशन, तो एवरी वापस एवरीथिंग वेंट ऑफ इन अ लाइन, बिकॉज द होल मटेरियल वाज सप्लाइड टू कुवैत फ्रॉम दुबई और कंपनी वाज मेकिंग मनी। तो फिर वापस लेवल पे आ गए, लेकिन एक साल के बाद कुवैत ने बंद लेना बंद कर दिया वापस सामान, बिकॉज दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग ऑन देयर ओन एंड दुबई से उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो फिर से वापस हम यू नो कंक्लूजन में आगे करना क्या है, तो सुधीर भाई से बात किया, सुधीर भाई ये जो है वो आपका काम है, लेकिन इसके अंदर कोई ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे आपके लिए, नहीं बन रहे मेरे भी नहीं बन रहे, तो मुझे लेकिन एक्सपीरियंस है बिल्डिंग मटेरियल का, तो मैं एक बिल्डिंग मटेरियल का काम करूँगा और उसके अंदर हम लोग पैसे कमाएंगे, जो मेरा मेन बिजनेस था वुड एंड स्टील का, लेकिन उसके अंदर रिस्क थोड़ा सा होता है, बिकॉज यू नो इज अ लॉट ऑफ द वॉल्यूम आर वेरी हाई। तो सुधीर भाई को ऐसा लगा कि नहीं यार इसके ऊपर मैं कैसा रिस्क लूँ इतना बड़ा, सो इस रिजवान मैं तो नहीं करूँगा ये बिल्डिंग मटेरियल का काम और वट एवर वी वॉन्ट टू पार्ट वी कैन पार्ट, सो दैट्स हाउ आई पार्टेड विद सुधीर बसी एंड आई स्टार्टेड। आई टोल्ड माय वाइफ दैट मेरा देखो मेरे पास अभी 100,000 दिरहम बन गए और ये 100,000 दिरहम मैं अपनी कंपनी में खोल सकता हूँ, और ये उसको बताया कि एक्सपेंसिस है और ये छः महीने का मेरे पास है सस्टेनेबल पावर, ये जो कंपनी खोलने के बाद जो बचेंगे पैसे उसका छः महीना जो बचेगा वो मैं मैनेज कर पाऊँगा, सातवें महीने में अगर मुझे लगा कि मैं बिजनेस करके कुछ पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे 5-10,000 दिन की सैलरी का कोई मुझे रख लेगा। तो वो दिमाग में रखते हुए वाइफ का पूरा सपोर्ट मुझे जब मिला तो हम लोग ने ये कंपनी स्टार्ट करी में कंपनी स्टार्ट की। अगेन एक्सपेंसिस वाज नॉट देयर, खाली एक ऑफिस दिया गया था, समीरा मेरी जो वाइफ थी वो सेक्रेटरी थी, हम मार्केट में जाते थे इंडेंटिंग करने के लिए। इंडेंटिंग मतलब आज एक बायर है एक सेलर है दोनों को मिला था, एक ब्रोकर है जिसको बोलते हैं ब्रोकर को कमीशन मिलता है 1-2%, तो वो अच्छा खासा चलने लगा। 2-3 महीने के अंदर ही बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते थे वी स्टार्टेड अप्रोचिंग दैम कि बाबा आई एम नाउ डूइंग द इंडियन थिंग सो गिव मी योर सपोर्ट, तो बिकॉज ऑफ द कुवैत कनेक्शन विच आई हैड उन्होंने दिया सपोर्ट और हमने स्टार्ट किया ये ब्रोकरेज का बिजनेस।